बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं रवेश खालिद यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में जो न्यू प्लॉट्स आए हैं, जो कुछ नई ऑप्शंस आई हैं उनके रेट्स के बारे में और उसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना चाहेंगे कि हम ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं प्रॉपर्टी में जो भी रेट्स में चेंजेस आती हैं या मार्केट में कोई नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ नई डिटेल्स आती हैं, तो हमारी कोशिश होती है हमारे क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स उससे अपडेट रहें और आपको इन्फॉर्मेशन रहे कि इस टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है। तो फिल वक्त जो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में ऑप्शंस आई हैं वो कुछ बहरिया की तरफ से न्यू प्लॉट्स दिए गए हैं जो कि ओपन फॉर्म्स हैं। और आपको बताना चाहेंगे ये कैटेगरी भी इसकी पेड है, यानी कुछ अगर कॉर्नर है या फेसिंग पार्क है या मेन बुलेवार्ड है तो वो ऑलरेडी उस अमाउंट पेड के साथ वो ऑप्शन है, जो कि बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। वैसे कोई भी आप ऑप्शन लेते हैं, कोई भी रीसेल में प्लॉट लेते हैं, तो उसके जो कॉर्नर के चार्जेस होते हैं या कोई भी कैटेगरी के चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, जो ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख रुपये बन जाते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। प्लस जो आप प्लॉट खरीदते हैं उसकी आपको ट्रांसफ़र फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस होती है। तो अभी जो ऑप्शन आई है उसमें एक तो ओपन फॉर्म है, आपको ट्रांसफर फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, प्लस जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी पेड होगी। और अभी अगर हम रफली आइडिया लगाएं फेज 4 में जो 10 मरले की प्राइसेस चल रही हैं वो ऑलमोस्ट 65 लाख से लेके 80-85 लाख तक प्राइसेस जो है वो वेरी कर रही हैं एज़ पर लोकेशन, एज़ पर कैटेगरी। लेकिन अभी जो कुछ न्यू प्लॉट्स आए हैं जिसमें G5 के प्लॉट हैं, G6 के प्लॉट हैं या कुछ G4 की ऑप्शंस हैं, बहुत लिमिटेड से प्लॉट हैं, ये कोई डील नहीं अनाउंस की गई, सिर्फ चंद प्लॉट्स बहरिया की तरफ से दिए गए हैं मार्केट में जो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल थी, और ये अभी तक मार्केट में ओपन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। जो इसकी प्राइसेस वेरी कर रही हैं वो ऑलमोस्ट आप लगा लें 55 लाख से स्टार्ट हो रही हैं और 65-68 लाख तक ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। लेकिन ये अच्छी ऑप्शंस हैं, ओपन फॉर्म्स हैं और कैटेगरी पेड के साथ ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताना चाहेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली कुछ ही देर पहले से पोजेशन अनाउंस किया गया, घर वगैरह बनने शुरू हो गए हैं और आगे जो फ्यूचर देखा जा रहा है बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का वो बहुत ज़्यादा ब्राइट देखा जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं और आने वाले 1-2 सालों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बने होंगे, रेजिडेंस मौजूद होगी और डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रही है। बहुत बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, इवन बहरिया का सबसे बड़ा मॉल यहाँ पे टाइम स्क्वायर मॉल बन रहा है, प्लस यहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड मॉल है वो ऑलमोस्ट अपनी ग्रे स्ट्रक्चर जो है उसका 3rd फ्लोर तक पहुँच चुका है और एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर जो पोजेशन है वो ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट पर जल्दी दे दिया जाएगा। प्लस वहाँ पर अरेबियन मॉल बन रहा है और इन फ्यूचर वहाँ पर और ज़्यादा प्लानिंग्स में कुछ मॉल्स हैं। तो इस लिहाज से जो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होगी, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स आएंगे, डिफरेंट किस्म के मॉल्स हैं जहाँ पे कमर्शियल शॉप्स हैं अवेलेबल हैं और अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। तो उस लिहाज से इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्लॉट्स परचेज कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है यहाँ पर प्राइसिस बहुत मुनासिब हैं। अगर आप 10 मरले के प्लॉट की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 60-70 लाख तक 10 मरले की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि और बहरिया के किसी भी फेज किसी भी सेक्टर में नहीं मिलती। अगर आप बहरिया टाउन की बात करें या बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1-2 की बात करें तो वहाँ पे ऑप्शन ही बहुत कम है, 10 मरले की कैटेगरी नहीं है और फेज 3 में भी नहीं है। तो फेज 4 में 10 मरला की कैटेगरी है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। और इसका रीज़न भी यही है कि अभी वहाँ पे पोजीशन अनाउंस हुआ है, घर बनना शुरू है, इतने ज़्यादा रेजिडेंस नहीं है, इतने ज़्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं है, घर नहीं बने, इस वजह से इस प्राइस में मिल रहे हैं। आने वाले 1-2 सालों में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी तो डेफिनेटली इसकी भी प्राइसेस बहरिया टाउन के 10 मरले के प्लॉट जितनी या बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1-2 में जो 10 मरले की प्राइसेस हैं उसके इक्वलेंट होगी, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, इस तरह से इसकी जो वैल्यू है वो होगी। प्लस यहाँ पे कुछ कनाल की ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल सकती हैं। तो इस हवाले से हम अपने क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स को ये अपडेट देने चाह रहे थे कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 मरले के प्लॉट में या 1 कनाल के प्लॉट में, वो बहरिया ऑर्चर्ड को ज़रूर कंसिडर करें। इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है आगे चल के आपको इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इस हवाले से आपको कोई मज़ीद डिटेल चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज दी जाएंगी। थैंक यू।